ओके सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा किया है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, आपको मैंने कुछ असाइनमेंट भी भेजी है। ठीक है, सो आपने वो पूरे किए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो करते रहो। ठीक है, खासकर तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप जितना अच्छे से वो पढ़ोगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को, तो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। में हम लोग देख रहे हैं वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे कि प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स के बारे में, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक है मॉर्फोलॉजी। देखो अभी सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, है ना। तो जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं, लीफ कैसा है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, ये सब जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, स्टडी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो देखो बहुत सारे, मतलब एंजियोस्पर्म्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही सबसे छोटा प्लांट है जिसका जो साइज है बेटा 0.1 mm है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, हमारे अंगूठे के ऊपर, है ना, 20-30 तो ऐसे ही प्लांट आ जाएंगे, छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं। देन है, इसका नाम भी है वॉल्फिया अंगुष्ठा। अंगुष्ठा मतलब उंगली जो होती है ना, अंगूठा, उसके ऊपर आ जाएंगे, इतने छोटे छोटे होते हैं। देन यूकेलिप्टस प्लांट है जिसकी हाइट होती है अबाउट 100 मीटर। अब ये एंजियोस्पर्म है, ये सबसे ऊंचे, जैसे कि अभी कभी आपने शायद बनियान ट्री देखा होगा, तो देखो वो 3 to 5 acres में फैला होता है यार, मतलब इट कैन कवर, तो ये इतना बड़ा होता है ना। तो दुनिया भर में जितने भी प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स ही है, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जिनको फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं। तो कितने बेटा, लगभग 3 लाख स्पीसीज है, 3 लाख स्पीसीज। ठीक है, 3 लाख स्पीसीज है एंजियोस्पर्म्स के, तो ये तो बहुत हो जाता है ना। मतलब आप मानोगे 0.5 लाख डिफरेंट स्पीसीज है प्लांट के, तो उसमें से मतलब 5 लाख में से 3 लाख तो बेटा एंजियोस्पर्म ही है, बाकी जो बचे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, बाकी सब है 2 लाख। ठीक है, तो ये ज्यादा ही डाइवर्सिटी दिखाता है क्योंकि इनमें यार सीड बनता है, सीड फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी होता है, ट्रिप्लॉइड, इसीलिए ये अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, इसीलिए इनकी ज्यादा बेटा हमें, है ना, डोमिनेंस देखने को मिलती है अर्थ के ऊपर। तो ये है बच्चों एंगुस्टा, है ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक एक पेड़ है ये छोटा छोटा, ये देखो इतना छोटा सा। ठीक है, तो एंगुस्टा इसको बोलते हैं, और ये है यूकेलिप्टस। इसके अलावा देखो ये है बनियन ट्री, एक ही पेड़ है बेटा, ये पूरा फैला हुआ है, यस पूरा, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे एक ही ट्री है, ये सिंगल ट्री है जो इतना स्प्रेड होता है, क्योंकि इसके आपको पता है बनियन ट्री के रूट्स निकलते हैं, क्रॉप रूट्स, और वो जमीन में जाते हैं। तो ये है ना, कोलकाता में है बेटा, इंडिया में, इसीलिए इसको ये भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, फीकस बेंगलेंसिस, बेंगलेंसिस, फीकस बेंगलेंसिस, बंगाल है ना, कोलकाता, और क्या है। ठीक है, तो देखो ये 250 साल पुराना प्लांट है और इसको ग्रेट बनियन ट्री भी कहते हैं। ये फैला हुआ बेटा 3.5 स्क्वायर एकर्स में, इतना बड़ा प्लांट है। ठीक है, मतलब लगभग उसमें लगभग 17,000, है ना, 17,000 पोल्स है, 17,000 पोल्स आर देयर, मतलब ये एक पोल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे पोल्स है ना, इट्स लाइक कंप्लीट वॉलमार्ट। ठीक है, बहुत बड़ा मॉल हो गया, ये अंदर घुस जाओगे भूल भुलैया है। ठीक है, सो जाते हैं लोग विजिट करने जाते हैं, कभी जाओगे कोलकाता तो ये बढ़िया प्लेस है विजिट करने के लिए। ठीक है, कभी गया है कोई, किसी ने देखा है क्या आपने से? यस,
एनीवन नोज अबाउट इट? हाँ बच्चों, नहीं, इट्स ओके, बढ़िया, तो जाने को मौका मिलेगा तो देखो। तो यार इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, व्हाई दिस कोलैबोरेटिव? ठीक है, तो यहाँ पे यार हमें एक चीज समझनी है। देखो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेशन मतलब जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बेटा अपने अंदर उनके बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में अडॉप्टेशन देखने को मिलते हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ सूटेबल होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा डोमिनेंट है ना अर्थ के ऊपर। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। और आप देखोगे ना इतनी डाइवर्सिटी और इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर है मतलब प्लांट्स में, है ना, कि आपको मजा आ जाएगा देख करके। अगर आप जितना ज्यादा डीप जाओगे आपको समझ में आएगा कि अरे ये सही बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको इवोल्यूशन ही कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। तो हम लोग देखो मॉर्फोलॉजी को क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए बेटा हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। तो आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, मैंने इवन आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, है ना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो बेटा इसमें हमने देखा कि देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान, मतलब क्या है ना, जैसे हम लोग आजू बाजू में पेड़ पौधे देखते हैं बस उसका वर्णन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, दैट्स इट, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, है ना, आपने बहुत सारे लीफ देखे होंगे, मैंगो का लीफ अलग होता है, नीम का लीफ अलग होता है, घर में आता है धनिया, धनिया का लीफ अलग होता है, होता है नहीं होता है, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं ये हमें जानना है, बस इतना ही है। बाकी तो ये अपने घर में आजू बाजू में जो भी सब्जी फल फूल देखते हैं इसका इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। तो प्लांट्स में कितने पार्ट होते हैं यार, दो ही मेन पार्ट है ना, एक को बोलते हैं शूट सिस्टम, एक को बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर होता है, आसान है ना, है ना, रूट सिस्टम का है जमीन के अंदर। अभी देखिए तो ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, कौन सा, ये गैमेटोफाइट है या नहीं, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। तो देखो ये शूट सिस्टम एज वेल एज व्हाट द रूट सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि रूट के ऊपर सिर्फ रूट ही आते हैं, है ना, दूसरा कुछ आता नहीं, तो इसीलिए रूट सिस्टम होमोजिनस है, समझ रहे हो ना। रूट सिस्टम कैसा बच्चों, होमोजिनस, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब देखो ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के ऊपर सेकेंडरी रूट आया, सेकेंडरी रूट के ऊपर थर्डरी रूट आया, मतलब रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट ही आता चला जाता, रूट के अलावा यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, है ना। बट अगर आप शूट सिस्टम को देखोगे तो शूट सिस्टम को मैं प्रॉपरली कह सकता हूँ कि ये चीज है हेटेरोजिनस। नाउ यार हेटेरोजिनस का क्या मतलब होता है, है ना, हेटेरोजिनस का क्या मतलब है, सिंपली हेटेरोजिनस का मतलब ये है कि देखो अगर हम शूट सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे लीफ देखने को मिलेगा, नोड इंटर नोड देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, है ना, उसके बाद स्टेम देखने को मिलेगा, फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, फ्लावर, मतलब आपको अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं ऑन द शूट सिस्टम, मतलब उसमें वैरायटी है यार, हेटेरोजेनस मतलब वेरिएशन से, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, होमोजेनस मतलब सब एक जैसे हैं, रूट के ऊपर रूट आता है, रूट के ऊपर रूट आता है, तो क्लियर है ना, दो ही तो पार्ट है, कौन से पार्ट है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और क्या है, एरियल पार्ट कौन सा है, शूट सिस्टम है, अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा है, रूट सिस्टम है, खत्म, कार्यक्रम खत्म। अच्छा इनको हम लोग थोड़ा अलग ढंग से भी बोल सकते हैं, जैसे कि देखो प्लांट्स में जो भी पार्ट होते हैं उनको हम लोग दो अलग हिस्से में देख सकते हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे बाइफर्केट कर दूं, तो प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन या तो उनको हम वेजिटेटिव पार्ट कहें या तो रिप्रोडक्टिव पार्ट करें, ठीक है, जब हम उनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, है ना, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या, रूट स्टेम ब्रांचेस लीव स्टेम ये सब जो होता है, ठीक है, वो सब बेटा वेजिटेटिव पार्ट है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, दूसरे पार्ट है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या है बच्चों, फ्लावर है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, फ्रूट,
और सीड। तो ऐसे भी हम लोग प्लांट्स के जो पार्ट है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ऐसे हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इजी, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी हमारा एम क्या है, वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रूट के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर बेटा स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बेटा फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स और सीड, हो गया, इतने है ना, इतने ही पार्ट है, बहुत आसान है। अभी देखो रूट के बारे में आप क्या जानते हो, देखो ये सबसे पहले पॉइंट है कि वो अंडरग्राउंड होता है यार, है कि नहीं, रूट जमीन के अंदर होता है, बट देखो उसकी ग्रोथ कैसी होती है, ट्रॉपिक है, मतलब वो ग्रोथ करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, है ना, तो पॉजिटिवली है, जियोट्रॉपिक मतलब क्या है, ग्रेविटी की तरफ जमीन के अंदर ग्रो होगा, इट इज ग्रोथ टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक, बट कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि टूवर्ड द जाएगा, है ना, ग्रेविटी की तरफ बेटा वो ग्रो होता है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, इसका मतलब है जिधर वाटर है उधर वो ग्रो होता चला जाएगा, लेंथ बढ़ाता चला जाएगा, है ना, तो दैट इज अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब लाइट तो बाहर है ना, तो अंदर जमीन में तो लाइट नहीं है, तो लाइट से अवे, दूर भागेगा ये, तो अंदर अंदर बेटा अंधेरे में ये ग्रो होता चला जाएगा, इसीलिए ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, इजी, आसान है ना, बराबर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, बहुत ही आसान है। देखो अगर हम लोग रूट को देखें तो रूट में बेटा बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, देखो एंटायर अगर यहाँ से जमीन से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, ये है प्राइमरी रूट, बराबर, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर सेकेंडरी रूट भी आते हैं, उसके ऊपर टर्शरी रूट भी आते हैं, तो ये जो पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल जमीन के अंदर एकदम एकदम अपाइकल पोजिशन पे है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रूट टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रूट टिप। और उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा बच्चों, है ना, अगर उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, रूट टिप है, इतना छोटा पोर्शन है, हमने बड़ा सा मैग्नीफाइंग लेंस में देखा, तो उसमें आपको चार रीजन देखने को मिलेंगे, रीजन ऑफ द रूट टिप, जो रूट टिप होता है ना, रूट के बारे में नहीं बात करें, रूट के टिप के बारे में बात करें सिर्फ, तो रूट के टिप के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे क्या क्या होगा बताओ, देखो उसके ऊपर होता है बेटा रूट कैप, अब ये रूट कैप बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बाद उसी के पीछे होते बेटा कुछ सेल्स का एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, या सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, रीजन ऑफ रूट कैप है, उसके बाद है बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे रूट की टिप की लेंथ बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, और उसके बाद जो एरिया आता है बेटा उसे कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे रूट हेयर आते हैं, जाइलम फ्लोएम बंडल बनता है ना, सेल थोड़े मैच्योर होते हैं, तो कितने रीजन है बेटा, चार, कितने हैं, फोर रीजन ऑफ द रूट टिप, पहला कौन सा है रूट कैप, दूसरा कौन सा है रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, तीसरा कौन सा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना, चौथा कौन सा है बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो ऐसे चार रीजन आपको रूट टिप में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, देखो देखो रूट है ना, सबसे पहले रूट कैप के बारे में बात करो, रूट कैप क्या है, द रूट इज कवर्ड एट द एपिक्स, उसका जो पहला एकदम आगे का पॉइंट होता है उस पर कवर होता है, कैप होती है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। अब उस रूट का कैप का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपिक्स, देखो यार जमीन के अंदर ग्रो होना है, ठीक है, उसको जमीन के अंदर अंदर ग्रो होते चले जाना है, अगर जमीन के अंदर ग्रो होना है, ठीक है, तो कैसे ग्रो होगा बच्चों, है ना, उसको तो फ्रिक्शन होगा ना, वहां पे सॉइल पार्टिकल्स है, पत्थर है, कंकड़ है, तो इतना छोटा नाजुक सा बेटा रूट टिप है टूट जा सकता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करेगा रूट कैप, ठीक है, और इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू बेटा रास्ता बनाता है, इवन बेटा वो लुब्रिकेशंस रिलीज करते हैं, लुब्रिकेंट्स रिलीज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके, ठीक है, तो ये काम है बच्चों रूट कैप का, सिंपल। उसके थोड़ा ऊपर अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज
रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो जहां से रूट कैप खत्म हो जाता है वहीं पे बेटा थोड़ा ऊपर आपको है ना मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाला मतलब सेल डिवीजन वाला एरिया देखने को मिलता है, जहां नंबर ऑफ सेल्स फटाफट डिवाइड होते रहते हैं। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, उनको बड़ा होने का चांस नहीं है, बस है ना डिवाइड हो ऐसे वो है ना, इसीलिए वो छोटे रहते हैं। उनका सेल वॉल भी बड़ा सा पतला एकदम सेल वॉल होता है और उनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा घना होता है, डेंस, क्योंकि उसको मेटाबोलिज्म करने के लिए समय मिलता नहीं है, तो फटाफट बस डिवाइड होता रहता है, इसीलिए इसमें उसमें ये प्रॉपर्टी होती है। एंड दे डिवाइड रिपीटेडली, तो बार बार बेटा डिवाइड होते हैं क्योंकि सेल का नंबर बढ़ाना है, क्योंकि उस रूट टिप को ग्रो होना है, ग्रोथ करनी है तो यार ज्यादा सेल चाहिए, तो ये सेल का नंबर वहां पे बढ़ता है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, उसके पीछे, ये देखो ये सब एनसीईआरटी का है इसलिए नोट्स ये वो इस चक्कर में मत पढ़ो, सिंपली बेटा एनसीईआरटी में देखो ये सही बात, ठीक है बच्चों, है ना, यस बच्चों, है ना, ये कहाँ देखोगे आप लोग, डायरेक्ट रीड इन द एनसीईआरटी, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ भी पूछते हैं ज्यादा कहीं पे भी इधर उधर से नहीं आता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है ना सोचने की जरूरत नहीं है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन, बिल्कुल उसके पीछे जहां सेल डिवाइड हो रहे उसके पीछे बेटा जो सेल्स होते, देखो ये डिवाइड हो रहे मतलब छोटे छोटे होते हैं, बट यही सेल अभी डिवाइड करना रोक दिया और तुरंत बेटा लंबे हो जाते हैं, इलांगेशन, तो ये एक ही सिंगल सेल है, तो यहाँ पे छोटा सा सेल दिखाई दे रहा है वो इलांगेट हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि वहां के सेल इतने जल्दी जल्दी इलांगेट होते हैं कि रूट की लेंथ भी उतनी ही जल्दी बढ़ती है, इसीलिए उसे कहते हैं रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो सही मायने में है ना रूट की लेंथ कहाँ बढ़ती है, सही मायने में रूट की लेंथ कहाँ बढ़ती है बच्चों, है ना, इलांगेशन रीजन में उसकी एक्चुअल लेंथ बढ़िया से बढ़ जाती है, दिस रीजन इसीलिए है ना कॉल्ड एज अ रीजन ऑफ इलांगेशन, ठीक है। वहां पे जो सेल्स होते हैं इलांगेशन में वो ग्रेजुअली थोड़े थोड़े डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब अभी देखो डिविजन उन्होंने खत्म कर दिया और वो डिफरेंशिएट होना शुरू होते हैं, और मतलब कोई सेल जाइलम बन जाएगा, कोई सेल फ्लोएम बन जाएगा, कोई एपिडर्मिस बन जाएगा, इस तरह से अपना अपना फंक्शन ले लेना, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपना अपना काम ले लेते हैं, ठीक है, और वैसे ही ढल जाते हैं, वैसे स्ट्रक्चरली वो मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, सो वो डिफरेंशिएट होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, हेंस दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू अ रीजन ऑफ द इलांगेशन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसके लिए तुरंत, इसीलिए तुरंत क्या हो जाता है, उसके तुरंत बाद में आपको रीजन ऑफ जो इलांगेशन है वो देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं एक नॉर्मल लेवल पे है ना, इसका प्रॉपर जो चीज है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन है या इलांगेशन मैच्योरेशन है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रूट हेयर। तो बेटा इस जोन में जहां पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन है वहां पे ऐसे बहुत सारे बच्चों यूनिसेलुलर हेयर आपको देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर मतलब ये सारे सिंगल सेल से बने हुए हेयर है, ये एक सिंगल सेल का बना हुआ हेयर है, ठीक है, सारे यूनिसेलुलर हेयर आपको देखने को मिलते हैं, और ये यहाँ से बेटा इसीलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, इस रीजन में आपको वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होते हुए दिखाई देता है। नाउ सी दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो अगर ये सिर्फ सीधा प्लेन होता तो बेटा ज्यादा एरिया नहीं मिलता एब्जॉर्प्शन के लिए, बट यहाँ पे ये क्या ऐसे बनाया है, एक रूट हेयर फिर दूसरा रूट हेयर फिर तीसरा, तो जितना जितना ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना बड़ा बेटा सरफेस एरिया मिलेगा, उतना ज्यादा बेटा एब्जॉर्प्शन करने के लिए एरिया मिलता है, ठीक है, तो रूट हेयर विल इंक्रीज द एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि सादे पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे हो एक बार कौन सा पेज बेटा, क्या इसमें क्या डाउट है, देखो इट्स अ सिंपल थिंग, रूट टिप है, रूट टिप में चार रीजन है,
सबसे आगे है रूट कैप, उसके बाद में है रीजन ऑफ सेल डिवीजन जहां सेल डिवाइड होते रहते हैं, उसके बाद में बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे आखिरी में है बच्चों रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन या मैच्योरेशन। ये चार ही तो पार्ट है, यस है ना। तो मैं अभी सादे सादे पॉइंट्स बोलता हूँ, जैसे कि नंबर वन रूट कैप। क्या रूट कैप सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है? तो आंसर है नहीं। अभी जो पानी के ऊपर ग्रो होते हैं जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, तो बच्चों जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ठीक है, उनके ऊपर रूट कैप कभी बनता ही नहीं है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पानी के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीजें देखनी है। अगेन वही डायग्राम आपके सामने है, फिर से वही दिखाना चाहता हूँ, फिर से देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा मैच्योरेशन रीजन है जो सबसे आखिरी में होता है, उसके पहले इलोंगेशन रीजन होता है, उसके भी पहले मेरिस्टेमेटिक जोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है इस तरह से। और इनके ऊपर ये वाला जो एरिया है ये है रूट कैप का, ठीक है। तो यही सादी सादी बातें हैं जो हम लोगों को पढ़नी होती है ना। राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं वंस मोर, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो। देखो मैंने ये कहा कि जब भी हम रूट के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक सिंपल सा पॉइंट है, वो है उसका रूट टिप, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी इस रूट टिप को मैं एनलार्ज करके देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देता है, देखो इस तरह से रूट टिप हमने बनाया बच्चों। यहाँ पे जो एरिया है वो एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है, ठीक है, मैच्योरेशन वाला एरिया है। उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रूट कैप देखने को मिलेगा, दिस इज द रूट कैप, ठीक है। उसके पीछे बेटा यहाँ पे एक एरिया देखने को मिलता है जहां पे सेल डिवाइड हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ द सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक। इसके पीछे वाले जो एरिया में आपको जो भी सेल दिखाई देंगे वो बहुत तेजी से इलांगेट हो रहे हैं, ठीक है इस तरह से, पक्का है? तो इसको ही बोलते बेटा है ना, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट द रीजन ऑफ इलांगेशन। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, ठीक है, दैट्स इट सिंपल। अब यहां जो एरिया है यहां आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा, जाइलम फ्लोएम के बंडल्स आ गए। तो ये जो एरिया होता है जहां पे मैच्योरेशन वाला एरिया दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं अगर हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, इनमें क्या चीज होती है, डू नॉट हैव रूट कैप, ठीक है। एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंडनस, पैंडनस में क्या होता है, मल्टीपल कैप्स आर प्रेजेंट, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये देखो ये ब्लू कलर हम लोग ले लेते हैं ऐसा, तो ये वाटर है, और बच्चों ये ग्रीन कलर लेते हैं ये लीव्स है, ठीक है, और बेटा ये लेते हैं ब्राउन कलर ये रूट्स है। अब ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, पानी के ऊपर तैरने वाला, ठीक है। अब इसके नीचे यार क्योंकि ये जमीन के ऊपर तो इस अंदर तो ग्रो होना नहीं है, इसको पानी के ऊपर फ्लोट होना है, तो इसके ऊपर यहाँ पे है ना रूट कैप की जगह पे प्रेजेंट होते हैं बेटा रूट पॉकेट्स, ठीक है। तो रूट पॉकेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिससे उसको बायोंसी मिलती है ताकि वो फ्लोट हो सके, हवा भरी रहती है उसको, ठीक है। अभी पैंडनस प्लांट का प्लांट है, उसके जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर ये एक रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर दूसरा रूट कैप है, तीसरा रूट कैप है, चौथा रूट कैप है, इस तरह से, ठीक है। मतलब एक ही रूट के ऊपर बहुत सारे कैप होते हैं, तो मल्टीपल कैप आपको देखने को मिलते हैं पैंडनस में, जिसको हम लोग स्क्रू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी नॉर्मल थिंग,
है ना, बाकी जो है रूट्स के एरियाज है, रूट टिप में जो एरियाज है वो हम लोगों ने देखे। किसी को कोई डाउट है पूछ लो। यस क्लियर है बच्चों? यस ओके नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रूट देख लेते हैं हमारे स्लाइड्स में। ठीक है, तो देखो दो प्रकार के रूट्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। कितने? दो प्रकार के रूट जो है आपको मेनली देखने को मिलेंगे। तो एक जो टाइप होता है रूट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या है भाई? बहुत आसान चीज है, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ। जब भी है ना सीड जर्मिनेट होता है, आपने देखा होगा यार, मतलब चने या मूंग, इसको आप भिगो के रखो रात में, है ना, सुबह बेटा जब हो उसको निकालोगे ना तो उसमें देखो ऐसे वो देखने को मिलेगा आपको, ऐसा वो होगा। अभी ब्लैक कलर का सपोज मूंग है, उसमें से ऐसे स्प्राउटिंग निकलेगा आपको, व्हाइट व्हाइट कलर का स्प्राउटिंग आपको देखने को मिलता है। ये तो रेडिकल है, ठीक है, इसको रेडिकल बोलते हैं, ये जो है रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, ये रेडिकल ही आगे चल करके रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रूट में मॉडिफाई होता है। तो जो भी रूट रेडिकल से बने ना उसी को हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं या टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, जो भी डाइकोटिलेडॉन वाले प्लांट है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। तो जैसे ही बेटा डायरेक्ट मतलब रेडिकल से जो रूट बनेगा उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इट बियर्स लैटरल रूट्स, इसके ऊपर बहुत सारे लैटरल रूट्स आते हैं ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, ठीक है, दैट आर रेफर्ड टू एज अ सेकेंडरी और टर्शरी एटसेट्रा रूट्स। मतलब अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये है प्राइमरी रूट, उसके ऊपर ये है बच्चों सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट। मतलब डायग्रामेटिकली अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखो ये है मेन वो रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट बोल रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट के ऊपर बहुत सारे बेटा ऐसे लैटरल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ठीक है, अभी बहुत बार क्या होता है सेकेंडरी रूट जो होते हैं उनके ऊपर भी लैटरल ब्रांचेस आती है ना, बराबर। इनको क्या बोलूंगा मैं, ये जो लैटरल ब्रांचेस आई है इनको क्या बोलूंगा मैं, टर्शरी रूट। ठीक है, टर्शरी रूट मतलब एक के ऊपर एक ब्रांचेस आती चली जाती है और इसके ऊपर ऐसा प्रॉपर एक रूट सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक मेन रूट होता है प्राइमरी रूट। ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर सेकेंडरी रूट ब्रांचेस आते हैं, टर्शरी, मतलब मेन रूट सिर्फ एक ही होगा, मेन रूट जो रेडिकल का एक्सटेंशन है वही होगा। ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स हमेशा डाइकॉट की खासियत है बेटा, जितने डाइकॉट प्लांट है सब में प्राइमरी रूट देखने को मिलता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो उसी को हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी डाइकॉट प्लांट है उन सब एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया एक कोई तो भी मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड मतलब राई का जो प्लांट है। ठीक है, सो उसमें हम लोग इस तरह से चीजें देखते हैं, नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। देखो ऑर्डर के बारे में बात की है, हमारी एनसीईआरटी बोलती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो मेन जो प्राइमरी रूट है उसको मैं बोलता हूँ जीरोथ ऑर्डर, सेकेंडरी रूट को मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑर्डर, और टर्शरी रूट को मैं बोलता हूँ सेकेंड ऑर्डर। ये समझना बहुत आसान है, देखो जो जीत गया जिसको गोल्ड मिला वो विनर है, विनर है, बट जिसका सेकेंड नंबर आया उसको फर्स्ट रनर अप कहते हैं, फर्स्ट रनर अप, वैसा ही है फर्स्ट ऑर्डर है ना। ये मेन है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको जीरो तो ऑर्डर है, बट जो सेकेंडरी है वो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। ठीक है, और जो बेटा जिसका थर्ड नंबर आता है उसको बोलते हैं सेकेंड रनर अप, है ना। तो ये बहुत सिंपल है ना। तो जीरो तो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, मतलब ही प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एज वेल एज द टर्शियरी रूट हमें टैप रूट सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि डाइकॉट प्लांट की खासियत है। इसकी खासियत है बेटा स्पेशलिटी, डाइकॉट प्लांट की स्पेशलिटी है। इतना क्लियर है बच्चों? यस
यस बच्चों, है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी देखो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। एडवेंटिशियस रूट में बहुत बार क्या होता है कि प्लांट्स के जो रेडिकल है वो हो जाता है डिस्ट्रक्ट, मतलब वो जेनेटिकली वैसा होता है, अरेंजमेंट ही वैसी है। अभी अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये स्टेम है, ये ऐसा फैला हुआ है जमीन के ऊपर, और ये बहुत सारे नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, हर एक नोड से बेटा रूट्स निकल रहे हैं। तो ये रेडिकल से बने हुए रूट थोड़ी है, क्योंकि नोड से निकल रहे हैं तो रेडिकल वाले रूट तो है नहीं। जैसे ये देखो, ये स्टेम है बड़ा सा, इस स्टेम के बेस से अचानक से रूट निकल रहे हैं, तो ये उसके बेस के रूट है, रेडिकल से बने हुए रूट है नहीं। तो बेटा क्या होता है कि बहुत बार रूट्स बनते हैं विदाउट रेडिकल से। सो इन सम लाइक प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, कुछ एग्जाम्पल दिए उसने, रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। लीफ से रूट बन जाएगा, स्टेम से रूट बन जाएगा, ये जो चीज होती है, नोड से आ जाएगा रूट। तो ऐसा अगर होता है तो ऐसे रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रूट एंड एडवेंटिशियस रूट? प्राइमरी रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या फर्क है? सिंपल, प्राइमरी रूट रेडिकल से ही बनता है, और एडवेंटिशियस रूट कैसे बनता है? किसी भी प्लांट पार्ट से अदर देन रेडिकल। ठीक है, जो रूट रेडिकल से नहीं बनेगा वो है एडवेंटिशियस रूट्स। करेक्ट है? अरे बेटा समझ गए, है ना? तो ये बहुत सारे ग्रासेस में ऐसा ही होता है। नाउ आगे चलते हैं। देखो ग्रासेस में आपको एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलेगी, घास में जो होते हैं उनका क्या होता है। देखो ये प्लांट है, इस प्लांट से ना बहुत सारे बेटा ऐसे रूट्स निकलते हैं, ब्रांचेस नहीं होती, वो डायरेक्ट मेन स्टेम से निकलते हैं। इनको हम लोग फाइबरस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इन मोनोकॉट प्लांट, है ना, इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट, छोटे छोटा, बहुत मतलब खत्म हो जाता है, प्राइमरी रूट जल्दी खत्म हो जाता है, शॉर्ट शॉर्ट लाइफ, एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और उसके जगह पे बहुत सारे रूट्स आते हैं। मतलब ये भी एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट्स का ही एक टाइप है, ठीक है। एंड दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, तो स्टेम के बेस से बेटा ये ओरिजिन होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम। तो इसको भी हम लोग एक्चुअली ये टाइप है, फाइबरस रूट सिस्टम एक टाइप है, ठीक है। ये भी डेफिनेटली बेटा प्राइमरी रूट के नष्ट होने के बाद ही बनता है, ठीक है, इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट का ही एक टाइप है, सॉरी ये एडवेंटिशियस रूट का एक टाइप है, ठीक है, फाइबरस रूट, जो कि आपको ग्रासेस में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमने दो मेन टाइप देखे, एक है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है, यस। तो ये हमारे सामने डायग्राम है, आप देख सकते हो टैप रूट सिस्टम को, आप देख सकते हो, है ना, फाइबरस रूट सिस्टम को। यस एवरीवन, क्लियर है ना? तो भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रूट का फंक्शंस क्या है, क्या काम का है भाई ये रूट, किस काम का होता है, आपको तो पता है यार, है ना, रूट यार, रूट के क्या फंक्शन होते हैं? एंकरेज है कि नहीं? प्लांट इतना बड़ा प्लांट है ना, उसको यार पकड़ के रखना है, जमीन के ऊपर खड़ा रखना है, तो ये उसका काम है एंकरेज। उससे भी बढ़िया मेन फंक्शन उसका है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बराबर है, पानी पियो, खाना खाओ, ये तो चलता नहीं उसमें, तो वो रूट है बेटा, रूट से वो जमीन के अंदर जो भी सॉइल में मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर कंटेंट है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो यार ये मेन फंक्शन हुआ, दो मेन फंक्शन है उसके, प्राइमरी फंक्शन, इसके अलावा वो और भी फंक्शन कर लेता है, जैसे कि स्टोरेज करेगा, अभी जैसे कैरेट है ना, कैरेट होता है, रेडिश होता है, बीटरूट होता है, ये तो बेटा उनके अंदर ऐसा एकदम वो है ना स्टोरेज करके रखता है, फूड जमा करके रखता है, मतलब जब भी कभी जरूरत पड़ी, अनफेवरेबल कंडीशन आए तो ऊपर के पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं, स्टेम गायब हो जाता है, बस अंदर के अंदर रूट रहता है, और जब समय आएगा तो फिर से नई पत्ती आएंगी, नए स्टेम्स आएंगे, सब कुछ आएगा, बट है ना वो वहां का फिर खाना यूज करेंगे, तो तब तक वो रिजर्व फूड मटेरियल उसमें रहता है, ये वाला पॉइंट है।
एक और है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लांट्स में भी हार्मोन्स बनते हैं जैसे एनिमल्स में बनते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड, है ना, ऐसे नाम शायद आपने सुने होंगे। तो ये जो हार्मोन्स बनते हैं ना, ये बनते हैं रूट टिप और शूट टिप में, इसीलिए पीजीआर, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब ही हार्मोन्स, प्लांट्स के हार्मोन जो है ना, ये हमें जो है रूट टिप में बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत आसान। इसके अलावा रूट्स देखो यार, पैरासिटिक रूट भी होते हैं, तो पैरासिटिक रूट तो बेटा पैरासिटिज्म में मदद करते हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रैपा नाम का प्लांट है या टीनोफाइलम नाम का प्लांट है। ट्रैपा आपने खाया होगा, जिसको सिंघाड़े बोलते हैं हम लोग, सिंघाड़ा, ठीक है, वाटर चेस्टनट कहते हैं उनको हम लोग, ठीक है। तो सिंघाड़े जो होते हैं उनके रूट्स यार ग्रीन होते हैं, ग्रीन मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई पूछे ऐसा कि यार क्या रूट्स भी कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप बोल सकते हो हाँ करते हैं भाई, ठीक है। एपीफाइटिक प्लांट है, एक एपीफाइटिक मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, उनके भी रूट्स बेटा होते हैं ग्रीन, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये है बेटा कुछ सेकेंडरी फंक्शन जो सब में नहीं होता, मेन फंक्शन तो ये दो, ये तीन है, एब्जॉर्प्शन, एंकरेज और पीजीआर, ये सब में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। स्टोरेज सब में कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी सेकेंडरी फंक्शन में आता है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे सीईटी में, नीट में, बोर्ड में जो पूछा जाता है वो ये है, मॉडिफिकेशंस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चों हम लोग दो प्रकार के मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे, एक मॉडिफिकेशन है टैपरूट के सिस्टम मॉडिफिकेशन, दूसरा है बच्चों एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो टैपरूट के मॉडिफिकेशन बहुत ही आसान है, आपने बहुत बार देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, ठीक है, बस उसके नाम क्या होने चाहिए, उसको क्या बोलना है, ये आज हम देखेंगे, इतना ही, ठीक है। तो देखो फ्यूजी फॉर्म रूट होता है, कोनिकल रूट होता है, नेपी फॉर्म रूट होता है, नोड्यूलेटेड रूट है, और एक और टाइप है पांचवा, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप है जो कि टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, टैप रूट, ठीक है। तो लेट्स सी, है ना, वन बाय वन, है ना, एक एक को देखते हैं। नंबर वन, फ्यूजीफॉर्म रूट, बहुत आसान है बच्चों। फ्यूजीफॉर्म क्यों कहते हैं इसको, ये रूट को देखोगे तो ये यहाँ पे भी ऐसे टैपर है, बीच में स्वेलिंग हो गया और फिर से टैपरिंग होता चला गया, तो ऐसे रूट को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये ऐसे 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 ये ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग फ्यूजीफॉर्म रूट, स्पिंडल फॉर्म, स्पिंडल जैसा है, ठीक है। सो दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टैपरिंग ऑन बोथ द साइड्स और बोथ द एंड्स। अभी ऐसा रूट देखने को मिलता है रेडिश में, ये रेडिश, अभी उसका बॉटेनिकल नेम है राफानस सटाइवस, रेडिश, मुड़ा मुड़ा, मूली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेडिश राफानस सटाइवस, इसमें जो रूट है वो कैसा है, फ्यूजीफॉर्म रूट है, टैप रूट है, टैप रूट रेडिकल से बना हुआ, पक्का। नेक्स्ट कोनिकल रूट, अब यार इसको तो आपने जरूर देखा है, है ना, आपके सामने है, देखो कैरेट है, आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड बेस है एंड देन इट विल टैपर, ठीक है। तो ये मिडल में स्वोलन नहीं होता, एट द बेस इट इज अ स्वोलन, सो दीज रूट्स आर थिकर एट देयर अपर साइड एंड टैपरिंग एट द बेसल एंड, दैट्स इट, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेट, ठीक है, कैरेट में कोनिकल रूट है। हो गया दो, फ्यूजीफॉर्म एंड कोनिकल रूट्स। नाम है देखो, कैरोट का नाम है डाउकस कैरोटा, बॉटेनिकल नेम क्या है, डाउकस कैरोटा, ठीक है। राफानस सटाइवा क्या था, रेडिश, है ना, डाउकस कैरोटा क्या है, कैरेट, है ना, सिंपल। नाउ आता है नेपीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट ना आपने देखा है ना। अब ये क्या होता है, दीज रूट्स बिकम स्वोलन एंड स्पेरिकल, ये गोल गोल होते हैं इस तरह से, मतलब इसका अपर पार्ट भी स्वोलन है, मिडल पार्ट भी स्वोलन है, बट अचानक से लोअर एंड की तरफ बेटा टैपरिंग शो करते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं गोल गोल स्पेरिकल बॉल जैसे, बट एंड पे है ना एकदम टैपरिंग आपको देखने को मिलता है ऐसे।
तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम लोग नेपी फॉर्म रूट, ठीक है। सो टर्निप इसका एग्जांपल है, ब्रासिका रैपा, शुगर बीट, बीट रूट आपने जरूर खाया होगा, जिसका नाम है बॉटनिकल बीटा वल्गेरिस, ठीक है, नाम से समझ में आता है, शुगर बीट बीटा वल्गेरिस, ठीक है। टर्निप और शुगर बीट आर द वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द नेपी फॉर्म रूट। तो तीन हो गए यार, एक कौन है फ्यूजी फॉर्म रूट, दूसरा कौन सा है ओनिकल रूट, तीसरा कौन सा है नेपी फॉर्म रूट। फ्यूजी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। ओनिकल रूट का एग्जाम्पल क्या है, कैरेट। नेपी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या है, बीट रूट। क्या फर्क है, एक जन मिडल में स्वोलन है, एक बेस में स्वोलन है, एक पूरा स्पेरिकल होकर के अचानक टेपरिंग करता है, ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट। तो ये है नेपी फॉर्म, इजी है ना बेटा। तो ये तीन आपके एनसीईआरटी में परफेक्ट मेंशन्ड है, क्लियर? क्या क्लियर, आगे बढ़े है ना, चलो आगे आते हैं। यहाँ देखते नोड्यूलेटेड रूट, इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। अभी लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम मतलब जिनको फली आती है, अब उन प्लांट्स में आप देखोगे ना बच्चों, तो उसमें आता है पी, ग्राम, बीन, है ना, इनमें पी प्लांट, ग्राम, चना, है ना, दाले जितनी पल्सेस, उनके रूट्स होते हैं ना, उनके रूट्स के ऊपर ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें रहता है, इनको ही हम लोग रूट नोड्यूल्स कहते हैं, है ना। सो नोड्यूल्स आर फॉर्म ऑन ब्रांचेस ऑफ द रूट्स, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट, क्योंकि वो रूट नोड्यूल बनाते हैं, दैट्स इट, नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, यस, आसान है रे। इसके बारे में सुना आपने पहले कभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट दिस फर्स्ट, कभी पहले सुना है? नाम सुना है तो बिल्कुल सुना है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, कहाँ पे, साइकस में, है ना, यस। साइकस के कोरलॉइड रूट में बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नोड्यूलेटेड रूट है। इसके अलावा बच्चों, है ना, एक जो रूट मैंने आपको बताया था उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसका पोजिशन यहाँ पे स्लाइड पे चेंज हो गया है, इसीलिए हम उसको ढूंढ लेते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी रूट, पांचवा टाइप है बच्चों, रेस्पिरेटरी रूट, बहुत आसान होता है। कभी आपने सुंदरबन के बारे में सुना है, या इवन मुंबई में खारफूटी है यार, खारफूटी बोलते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स, बराबर है, इनको मैनग्रोव बोलते हैं। इनके रूट्स है ना ऐसे जमीन के ऊपर निकलते हैं, ऐसे ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो ये देखो ये ऊपर आ गए यार, जमीन के ऊपर आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे, देखो है ना, बराबर। तो यार ये जो रूट्स निकल रहे हैं, देखो अंडरग्राउंड रूट्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अंडरग्राउंड रूट तो है भैया, जमीन के अंदर रूट ग्रो हो रहा है, टैप रूट है, बट ऊपर जो है टैप रूट के कुछ पॉइंट्स ऐसे बाहर निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है ना, मतलब देखोगे आप सही ढंग से तो इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, न्यूमेरस पोर्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो यार ये प्लांट जहाँ ग्रो हो रहा है वहां इतना सॉल्टी पानी है, और तो और वहां दलदल है, दलदल, मार्शी लैंड। अब होता क्या है यार, रूट को रेस्पिरेशन करना है, इनको चाहिए ऑक्सीजन। अब ये हमारे इधर के नॉर्मल जो रूट होते हैं उनको जमीन में ऑक्सीजन मिल जाता है, जहां जहां गैप हो सॉइल में वहां वहां ऑक्सीजन से वो ले लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। बट यार ये दलदल में है, अब दलदल में है तो मिट्टी है, पानी है, अब यार पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना वो ये ले नहीं पाते, इनमें वो एबिलिटी नहीं है, एयर का इनको चाहिए एयर, ऑक्सीजन वो इनको मिल नहीं पाता। तो ये नए इन्होंने ऐसा किया, बाहर निकल आए, ग्रोथ कर ली बाहर, जमीन के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये पहले एक ही मात्र ऐसा रूट है जो कि निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, नहीं तो रूट्स कैसे होते बेटा, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है ना, निगेटिवली, समझ रहे हो आप, है ना, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होते हैं, एकमात्र ऐसा रूट है। तो रूट्स कम आउट,
फ्रॉम द सॉइल एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने में मदद करते, इसलिए नाम ही क्या उसका, रेस्पिरेटरी रूट। कौन से लाइट जगह रहते हैं, वो मार्शी और स्वैम्पी एरियाज, दलदल, तो इसीलिए वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होते हैं एंड कम्स आउट सरफेस थ्रू एन रेस्पायर। यस, अब प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर, क्योंकि रेस्पिरेशन करना है तो बहुत सारे बेटा उसके ऊपर पोर्स होते हैं, उन ब्रांचेस को हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्जामिनेशन में, इनको क्या कहा जाता है, तो बच्चों इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, और उनके ऊपर जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेथोर्स। देखो ये न्यूमेथोर्स, अब ये याद भी नहीं आ रहा तो चलता है, बट ये भूलना नहीं है, ये स्टेटमेंट, लेंटिसेल्स बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो ऑक्सीजन ले पाए। तो ये है बच्चों रेस्पिरेटरी रूट, जो कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं मैंग्रोव में, जैसे एग्जाम्पल है राइजोफोरा, हेरिटेरिया, सोनेरेसिया, ऐसे प्लांट के नाम है, ये सारे मैनग्रोव्स है, दिस आर ऑल द मैनग्रोव्स, ये देख रहे हैं मैनग्रोव्स यहाँ पे है वो, ठीक है। देखो ये जो हेरिटेरिया है ना, इसका एक्चुअली कॉमन नेम, गांव मतलब गांव देहात में जो नाम है, ये है सुंदरी। क्या नाम है इसका, सुंदरी का पेड़ बोलते हैं इसे, इसीलिए जो बंगाल में ना जहाँ व्हाइट टाइगर मिलते हैं, उसको उसके बारे में जरूर सुना होगा, उसको बोलते हैं व्हाइट टाइगर, जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन, क्या बोलते हैं, कभी सुना है क्या, हैव यू हर्ड सुंदरबन, सुंदरबन का मतलब क्या है, अरे इट्स अ फॉरेस्ट ऑफ मैनग्रोव्स, दैट इज अ सुंदरबन, जहाँ व्हाइट टाइगर भी मिलते हैं, ठीक है। सो ये रहे बेटा पांच मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम, इजी है ना। अभी नाम देखो, राइजोफोरा, राइजो मतलब रूट, फोरा मतलब जिसके ऊपर वही फोरा ब्रांच है, हेरिटेरिया, सोनेरेसिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैनग्रोव्स। हमारे मुंबई में भी है ना बेटा, मुंबई में भी, यहीं से दूर चले जाओ, यहाँ पे बिल्कुल पास में वाशी क्रिक में जाओ, आप देखने को मिलेंगे बहुत सारे, यू कैन सी खारफूटी, देखा नहीं क्या, अब सही थोड़ा आराम से ऑब्जर्व करना कभी, ठीक है, एकदम उत्तर मत जाना देखना है मेरे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब कभी मौका मिले तो, क्योंकि वो अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है वहां पे। सो दिस इज वेरी सिंपल, राइजोफोरा, हेरिटेरिया, मैनग्रोव प्लांट्स है, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक रेस्पिरेटरी रूट्स। तो बच्चों ये रहे टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैं नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही सिंपल है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो हम लोगों ने दो टाइप पढ़े, एक टाइप क्या है बच्चों, एक टाइप है टैप रूट सिस्टम, दूसरा टाइप है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो अभी टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन तो हमने पढ़े, फ्यूजीफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नेपीफॉर्म रूट, नोड्यूलेटेड रूट और रेस्पिरेटरी रूट। अब यहाँ पे हम लोग एडवेंटिशियस जो रूट्स है उनके मॉडिफिकेशन को पढ़ते हैं, बहुत आसान है। अभी देखो एडवेंटिशियस रूट्स में आता है ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स, नोड्यूलोज है या नोड्यूलेटेड नहीं है, नोड्यूलोज है, अब ये नहीं है एनसीईआरटी, ये दो ही है बस, ठीक है, मैं बाकी अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बीडेड रूट नहीं है, हाँ ये है, स्किल्ड रूट है, क्रॉप रूट है, क्लाइंबिंग रूट है, रेस्पिरेटरी रूट इसका टाइप नहीं है, जो हमने यहाँ पे है वो ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग प्रकार का रूट पढ़ेंगे दूसरा। हम लोग पढ़ेंगे एपिफाइटिक रूट, ठीक है, फोलियर रूट्स और सकिंग रूट्स और पैरासिटिकल रूट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हमें 10 टाइप पढ़ने हैं एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन, एकदम आसान है।
है ना, एनसीईआरटी देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसके ऊपर आता है यार, पहले वाले के ऊपर, इसलिए उसको पहले याद पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ट्यूबरस एडवांटेजियस रूट, अभी यार इसका काम है स्टोरेज, ठीक है, रेडिश का काम है स्टोरेज, कैरेट का काम है स्टोरेज, बीट रूट का काम है स्टोरेज, नोड्यूलेटेड रूट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, रेस्पिरेटरी रूट का काम है रेस्पिरेशन करना, वैसे फंक्शंस आपको समझ में आ जाते हैं, इसका भी वही है। ट्यूबरस रूट का काम है इट इज अ स्टोरेज, अगेन फूड इज स्टोर्ड, बट ये इरेगुलर शेप के होते हैं यार, ये कोई प्रॉपर शेप के नहीं होते, कैसे भी होते हैं, देखो ये ऐसा 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 कैसे भी होता है। अभी यार नोड होता है ना, नोड, नोड से नीचे ये नोड है, इस नोड से बेटा ये आ रहा है आपको, देख लो है ना, एक नोड पे एक रूट आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से सिंगल नोड सिंगल रूट आपको देखने को मिलता है और इसका कोई प्रॉपर शेप होता नहीं है, ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़े वैसा है नहीं, इसीलिए ये रेडिकल से तो बने नहीं है, नोड से डेवलप होते हैं, इसीलिए एडवेंटिशियस है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, है ना, आइपोमिया बैटाटस, इसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद, देखा होगा आप लोगों ने इसको, खाया है शकरकंद को, यस और नो? अरे घर में लाते उबाल करके खा लेते हैं शकरकंद, उपवास के दिन तो खाते हैं लोग, यस है ना, तो देखो शकरकंद बोलते हैं इसको, है ना, और ऑब्वियसली आपने सबने खाया होगा स्वीट पोटैटो, है ना, बट रिमेम्बर पोटैटो और स्वीट पोटैटो में डिफरेंस है, पोटैटो स्टेम है, ये रूट है, रूट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, दिमाग में रखो क्योंकि यही तो क्वेश्चन उन्होंने कितनी बार पूछा है, तो स्वीट पोटैटो इज द रूट, दैट्स इट, सिंपल है ना, आसान है। अभी देखो इसमें है ना एक और वैरायटी है ट्यूबरस रूट की, एक और वैरायटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, है ना, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। अब ये क्या है पता है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये बेस है स्टेम का और यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबरस रूट आए एक साथ, वो कैसा था, एक नोड पे एक था, एक नोड पे एक था, यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे रूट आ गए, फैसिकुलेटेड मतलब बंच में आते हैं, क्लस्टर्स, एंड ऑल ऑफ देम आर स्वोलन, सारे स्वोलन होते हैं और एक ही स्टेम से, एक सिंगल स्टेम से बहुत सारे रूट आपको देखने को मिलेंगे, इरेगुलर शेप में, इसलिए ट्यूबरस है। एग्जाम्पल है एस्पेरागस, ये मेडिसिनल है बेटा, शतावरी बोलते हैं इसको, है ना, शतावरी के बारे में सुना होगा, अरे मेडिसिन है यार, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एस्पेरागस को, शतावरी। डहलिया के फ्लावर देखे होंगे, बड़े बड़े से फ्लावर होते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, है ना, तो डहलिया जो होता है उसके भी बेटा केस में आपको फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट देखने को मिलता है। तो हो गए दो ट्यूबरस रूट, एक सिंपल ट्यूबरस रूट, दूसरा फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल बताओ, आइपोमिया बैटाटस, आइपोमिया बैटाटस, समझे मिया, आइपोमिया बैटाटस, समझ लो, तो ये क्या होता है, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, और इसमें क्या है बेटा, एस्पैरागस, शतावरी, फैसिकुलेटेड में डहलिया, दीज आर द एग्जांपल्स, करेक्ट है ना। देखो ये सोच हमको महंगी पड़ती है, मुझे याद कैसे रहेगा, ये सोच हर बार हमें बैकफुट पे लेके जाती है, एटीट्यूड मैटर करता है हमेशा एग्जामिनेशंस में, एटीट्यूड, योर मेमोरी इज ऑलवेज अ सुपर, everyone has a super memory, the difference is an attitude, बहुत से लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि मुझे तो जमेगा नहीं, होगा नहीं, तो उनका ब्रेन उनके ही ऑर्डर को फॉलो कर लेता है, यस नहीं जमेगा, चलो ठीक है बढ़िया है, नहीं जमेगा है ना, भूल जाएंगे, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे हाँ यार ये सिंपल है, ये तो मैंने देखा है, ये ऐसा है, हाँ चलो सत्तावरी होता है। सो वेन यू हैव दिस एटीट्यूड है ना, सो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं, नोड्यूलोज रूट्स, अभी देखो ये सब जो है ये एक्स्ट्रा है माफ करना, बट अभी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन दिस टाइप द टिप्स ऑफ रूट्स स्वेल अप, अभी इसमें क्या होता है आप देख पा रहे हो कि ये जो रूट है यहाँ तक पतला है, अचानक से इसके टिप में स्वोलन है, स्वोलन टिप है, इसको बोलते हैं नोड्यूलोज, नोड्यूलेटेड नहीं है, नोड्यूलोज। अभी एग्जाम्पल है बेटा कुरकुमा अमाड़ा, इसको बोलते हैं आंबे हड़द, शायद आपने सुना होगा,
या इसको बोलते हैं मैंगो जिंजर, क्या कहते हैं इसको, मैंगो जिंजर। ऑब्वियसली बेटा ये मेडिसिनल है यार, मतलब नेचुरल पेन किलर है, या नेचुरल पेन किलर समझ रहे हो आप है? क्या ये नेचुरल, ये हल्दी नहीं है, इट्स नॉट टर्मरिक, इट्स नॉट टर्मरिक, इट्स आंबे अर्थ, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं मैंगो जिंजर ना, इट इज नॉट अ मैंगो प्लांट, इट इज नॉट इवन जिंजर। ठीक है, ये जिंजर भी नहीं है, ये मैंगो भी नहीं, इसको बोलते हैं मैंगो जिंजर बिकॉज इट टेस्ट लाइक अ मैंगो बट इट इज है ना रूटेड लाइक अ जिंजर, जिंजर के अंदर जमीन की तरफ अंदर ग्रो होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते आगे बढ़ते हैं, बीडेड और मोनिली फॉर्म रूट्स। अब ये रूट को देखोगे बढ़िया दिख रहा है आपको, है ना, क्या है यहाँ पे देखो, सोलन सोलन सोलन, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि मोतियों की माला है भाई, ये देखो ये ओरिजिनल पिक्चर है आपके सामने। इनको बोलते हैं बीडेड और मोनिली फॉर्म रूट्स, क्या बोलते हैं, बीडेड और मोनिली फॉर्म रूट्स। नाउ देखो, रूट स्वेल्स अप लाइक बीड एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एग्जाम्पल विटिस, मोमोर्डिका एंड पोर्टोलैका। बेटा आपने कभी मोमोर्डिका खाया है, कितने लोगों को पसंद है मोमोर्डिका, यहाँ लिखा है, क्या नाम है उसको, उसको क्या बोलते हैं, बीटर गार्ड, क्या बोलते हैं उसको, है ना, करेला। तो करेला शायद ही आपने खाया हो या बहुत लोग खाते भी हैं, है ना। तो जो करेला है डेफिनेटली मोमोर्डिका, उसमें ऐसे रूट आपको देखने को मिलते हैं। क्या बेटा आपने कभी विटिस खाया है, क्या विटिस, यस एनीवन, विटिस विटिस विटिस, किसी को पता है विटिस क्या होता है, किसी को भी पता हो तो देखो, हाँ बोलो, नहीं पता मुझे, नहीं ना, चलो, विटिस होते हैं ग्रेप्स। तो क्या कभी आपने ग्रेप्स खाए हैं, खाया होगा, बट क्या उसके रूट्स देखे हैं कभी, Have you seen the roots? No. उनके रूट्स बेटा ऐसे होते हैं, बीडेड और मोनिलिफॉर्म रूट्स। तो मैंने यही कहा ना, ये चैप्टर कुछ है नहीं, आपने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं आजू बाजू में, अभी जो चीज दिखी नहीं है तो उसको हमें, है ना, अच्छा ऐसा होता है, ओहो ये फैक्ट है, फैक्ट, डिस्कवरी चैनल है और कुछ नहीं। ठीक है, सो रूट्स वेल्स अप लाइक अ बीड एट, उसको बोलते हैं बीडेड और द मोनिलिफॉर्म रूट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट और द ब्रेस रूट्स। ये जो टाइप है बच्चों, इसमें क्या है, अभी ज्वारी, बाजरा, गन्ना, मेज, इनको देखोगे तो इनके ऐसे स्टेम होते हैं, बराबर। अब ये लोअर नोड है, ये नोड से बेटा रूट्स निकलते और जमीन में जाते हैं, जैसे कि तंबू, जैसे तंबू जो है तंबू गाड़ेंगे हम लोग वैसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका प्राइमरी रूट अंदर वाला नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और इनके जो रूट्स है वो चारों तरफ से बेटा उसको सपोर्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो ओरिजिनल जो पिक्चर है ये, ठीक है, सो दे ऑलवेज अराइज फ्रॉम द लोअर नोड, नीचे वाले नोड जो होते हैं वहां से अराइज होते हैं एंड एंटर इन द सॉइल, एंड दीज रूट्स सपोर्टिंग रूट्स, इनको बेटा अब ये स्टोरेज वाले नहीं है। हाँ, अरे वो साइंटिफिक नेम का कुछ होता नहीं, मैं बताऊँ तुम लोग, इवन अगर मैं अभी मैं तुम जितने बच्चे हैं ना उनके सबके नाम भी पूछूंगा ना, पूरे नाम, तो मुझे यही याद रहेगा, बट पता है अगर मैं रोज मिलूंगा, रोज हाँ अच्छा ये निवेदा, ये अलीशा, ये आशा, ये धीरे ऐसे, तो फिर मुझे पता, हाँ ये पता है, यस आई नो आई नो, इतना ही होता है। रिविजन इज द की, डर जो है, डर इंसान के ब्रेन को है ना पैरालिसिस करा देता है, उसको एक कर देता है, अरे यार क्या है क्या, ऐसा जब भी करने लगोगे, एटीट्यूड ऑलवेज मैटर करता है। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया बात बता के रखता हूँ, आप जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, अभी यार इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस होता है क्या, सामने वाला जो बंदा जो पूछ ले है ना, तो वो वहां पे इंटरव्यू में चेक करते हैं आपका एटीट्यूड टुवर्ड द क्वेश्चन, ये नहीं कि आप क्या आंसर दो, कोई भी आप इंटरव्यू ले लो, सबका एक ही है बेटा एटीट्यूड, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, फेक तो नहीं रहे हो, उनको समझ में आ जाता है, समझ रहे है ना, दैट इज फॉर द पॉइंट। वैसा ही है यहाँ पे भी, वही चीज होती है, एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जीतने वाले बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
सो देखो दीज रूट्स आर सपोर्टिंग रूट्स, एग्जांपल जैसे कि मेज है, शुगर केन है, पैंडेनस, अभी पैंडेनस के ऊपर है। अच्छा मुझे बताओ पैंडेनस ये नाम मैंने पहले कभी आपको बताया है क्या? Have you heard about this name, Pandanus crupine? No. क्या बात कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के ऊपर मल्टीपल रूट कैप होते हैं। हाँ याद है। ठीक है, अब देखो ये पैंडेनस आपको याद रहेगा क्यों? क्योंकि आपने इसको दो बार सुना है, पहली बार आपने इसको इग्नोर किया, मतलब आपके ब्रेन ने ग्रास्प नहीं किया, अभी सेकंड टाइम आ गया पैंडेनस, अच्छा हो स्क्रूपाइन, ओह यही वो मल्टीपल रूट कैप वाला, इसमें स्टिल्ट रूट होता है, यस स्टिल्ट रूट होता है। ठीक है, मेज है, शुगर केन है, ज्वार, बाजरा, ये सब में बेटा है ना ये स्टिल्ट रूट्स हमको देखने को मिलते हैं जो सपोर्टिव है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। अब यार ये देखो इसका एग्जांपल आपको मतलब आप कैसे भी नहीं भूलोगे, यू विल नॉट फॉरगेट, बनियन ट्री, क्या नाम लिखा है बेटा, फीकस बेंगलेंसिस, क्यों बेंगलेंसिस है, इस पेड़ के नाम है, ग्रेट बनियन ट्री कहाँ पाया जाता है, बंगाल कोलकाता, यस और नो, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड बेटा इसको बोलते हैं फीकस बेंगलेंसिस। ठीक है, उसके फ्रूट्स के वजह से वो फीकस है, बाकी तो बेंगलेंसिस कहाँ पाया जाता है इसके ऊपर है। अभी होता क्या यार इनमें, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस, इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या पिलर रूट्स। अब भी मैंने आपको फैक्ट बताया था, मोर देन 1700 पिलर्स वहां पे हैं कॉलम्स, बराबर। तो देखो ये है लैटरल ब्रांच और इस लैटरल ब्रांच से रूट निकल रहे जमीन के अंदर घुस रहे, रूट निकल रहे जमीन के अंदर घुस रहे, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि धीरे 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 इसकी लैटरल ब्रांच बढ़ती जाती है, उनको रूट्स निकलते जमीन में जाते हैं, तो ऐसे नए नए पिलर्स बनते चले जाते हैं, इनको ही हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, तो ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल बेटा एक ही है, बनियन ट्री, फीकस बेंगलेंसिस, हो गया आसान है। नेक्स्ट क्लाइंबिंग रूट्स, अब यार आपके घर में मनी प्लांट है क्या, कभी किसी ने मनी प्लांट देखा है? हैव यू सीन द मनी प्लांट, घर के बाजू में है। तो देखो उसको बोलते हैं पोथोस, आप कहीं पे भी अंदर कहीं ना कहीं तो आपने देखा होता है यार, उसकी स्टेम होती है वीक। अब यार ये वीक स्टेम है, अब ये वीक स्टेम है तो यार वो कैसे ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो यहाँ आते रूट्स, रूट्स आते पकड़ लेते हैं, रूट्स आते होल्ड करते, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वीक स्टेम है, यहाँ पे रूट्स है जो उसको चिपका रहे उधर उस स्टेम के ऊपर, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से बेटा रूट्स आते हैं, तो ऐसे रूट्स जो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं वीक स्टेम को, उसको हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स कहेंगे, एंड हेल्प इन द प्लांट इन क्लाइंबिंग, जैसे कि मनी प्लांट, बोटेनिकल नेम है पोथोस, मनी प्लांट पोथोस। ठीक है, मॉन्स्टेरा या बीटल, बीटल 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 जानते हो ना आप लोग, पाइपर बीटल, पाइपर बीटल जानते हो, अरे हल्के पान बनारस वाला है ना, वीड़ा बोलते जिसको आप लोग, है ना, जो खाने वाला पान होता है। सो ये जो है बीटल, पाइपर बीटल है ना, ये ऐसे ही होते हैं ना वो, और है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर देखा है आपने कभी, पुलाव में बिरयानी में बीच में आ जाता है बड़ा सा पत्ता, है ना, देखा है क्या, है ना, वो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में भी आपको देखने को मिलता है बेटा इस तरह का रूट सिस्टम। सो दैट्स इट क्लाइंबिंग रूट, तो जो है जिसके वीक रूट होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, वहां पे आपको क्लाइंबिंग रूट देखने को मिलता है, रेस्पिरी रूट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों फोलियर रूट, अब ये फोलियर रूट क्या है बच्चों, देखो फोलियर का मतलब होता है ये प्लांट आता है, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ये उसके पत्ते दिखाए मैंने यहाँ, ठीक है ये आप देख पा रहे होंगे। तो जो फोलियर रूट होता है, मतलब फोलियर का मतलब ये होता है बेटा कि लीफ के ऊपर डेवलप होने वाला रूट, तो ये जो लीफ है इस लीफ के मार्जिन में यहाँ पे बेटा बर्ड आता है, यहाँ रूट्स आते हैं, यहाँ बर्ड आता है, यहाँ रूट्स आते हैं, तो ये जो रूट्स है जो पत्तों से डेवलप हो रहे हैं, लीफ से डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग फोलियर कहते हैं। फोलियर जैसे ही वर्ड आएगा आप समझ जाओ, फोलिएज मतलब बहुत सारे पेड़ है ना, मतलब क्या बोलते हैं पत्ते लगे हुए, फोलिएज। ठीक है, सो व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ आर कॉल्ड एज अ फोलियर रूट्स, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम या तो बिगोनिया, ब्रायोफाइलम के बारे में शायद आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा, हैव यू सीन, कभी देखा है क्या,
ये देखो हम लोग है ना, ये जो है ना ब्रायोफाइलम, इसको यार बुक्स में लेके घूमते थे जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे तब। ठीक है, इसका क्या है, मजा क्या आता है, क्योंकि ये होता है ऐसा कुशन वाला जाड़ा सा लीफ होता है, बहुत जाड़ा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, मॉइस्चर होता है हमारे बुक्स में, है ना। तो उसको यूज करके बेटा उसको नए प्लांट वहीं पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद में, एक एक हफ्ते बाद ऐसे खोल के देखते हैं तो मजा आता है, उससे नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने वाला प्लांट है ये। बिगोनिया भी वैसा ही है, लीफ के ऊपर बर्ड आता है, लीफ के ऊपर रूट्स आते हैं, तो वहां से ये ग्रो होता है। सो ये रहा बेटा फोलियर रूट, क्लियर है क्या। इसको पत्थर चट्टा क्यों कहते हैं, है ना, ये छोटे अगर किडनी स्टोन्स होते हैं ना, किडनी स्टोन, तो ये अगर आप कंज्यूम करते हो इन प्रॉपर, ये तो मिलता है, इवन आपको मुंबई में भी मिलेगा पत्थर चट्टा बायोफाइलम, है ना। मतलब हमारे तो आजू बाजू में घरों में ही ग्रो होता है, वहां पे कुछ नहीं है ना। सो इट्स अ वेरी यूजुअल प्लांट, ऐसा नहीं है, बस आपने देखा होगा, यू डोंट नो अबाउट इट, इग्नोर किया होगा, अच्छा देखो नहीं ऐसा। So when roots arise from the leaf are called as the foliage roots. Next है sucking or hostorial root or parasitic root. देखो अभी यार plants green होते हैं ऐसा हमने सुना, इसलिए वो parasitic तो नहीं होते, but कुछ plants ऐसे हैं जिनके leaves green नहीं होते, इसीलिए वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर grow होते हैं। ठीक है, और उनसे खाना पानी सब खींच लेते हैं, तो ऐसे रूट्स को हम लोग पैरासिटिक रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्टूटा नाम का प्लांट है, कस्टूटा को हम लोग बोलते हैं अमरवेल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अमरवेल कहते हैं कस्टूटा को। ठीक है, तो ये जो अमरवेल होती है कस्टूटा, उसमें पैरासिटिक है यार, वो अमर है, मरते नहीं, क्योंकि वो उसको खाना बनाना है नहीं, कुछ नहीं करना, ये उसका सीड है। इस सीड से उसका रेडिकल निकला, आप देख सकते हो जर्म ट्यूब, एंड देन आगे अंदर घुस गया बेटा, दूसरे पेड़ जो है होस्ट प्लांट के अंदर, उसके जाइलम फ्लोएम में घुस गया। ये जो सेल है इसको ऑस्टोरिया कहते हैं, जो एक्चुअली है ना सब कुछ खींच लेगा, पानी खींच लेगा, है ना, मिनरल खींच लेगा, वाटर को खींच लेगा, इस तरह से ये करता है ना, सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सकिंग रूट, हॉस्टोरियल रूट और पैरासिटिक रूट। कस्क्यूटा है, विस्कम है, अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, मैं एक डिफरेंस बताता हूँ बच्चों। कस्क्यूटा जो है टोटल पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट, और विस्कम जो है पार्शियल पैरासाइट है। अब क्या फर्क है दोनों में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कस्क्यूटा पूरी तरह से निर्भर है होस्ट के ऊपर, है ना, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए और फूड के लिए, सब कुछ बेटा वो कंज्यूम करता है फ्रॉम द होस्ट प्लांट। उसके लीव्स ग्रीन नहीं होते, येलोविश पूरा प्लांट होता है, इसीलिए ये टोटल पैरासाइट है। बट विस्कम अल्बा ये जो प्लांट है, ठीक है, ये सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट है, फूड के लिए नहीं। इसको फूड की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लीफ ग्रीन होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो सिर्फ उसके जाइलम से पानी और मिनरल खींचता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, क्लियर है क्या रे? छोड़ दो इस एग्जाम्पल को, छोड़ दो ये वाला एग्जाम्पल, छोड़ दो। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखो, एक है कस्क्यूटा, एक है विस्कम। कस्क्यूटा टोटल पैरासाइट है और विस्कम पार्शियल पैरासाइट, क्लियर, क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पेन एंड पेपर मेथड यूज करते हैं, और मैं एक लास्ट टाइप आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है ये आप लोग ना देख लो, मतलब इसको बोलते हैं एपिफाइटिक रूट।
पहले तो एपिफाइट का मतलब क्या है समझ लो। देखो ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, दिस इज लार्जर ट्री, ठीक है। अभी जो पेड़ है इसके ऊपर सब कुछ है, पेड़ पत्ते फूल पौधा जो भी है ये सब है, ये है, दिस इज अ वेरी लार्ज ट्री। अब इस लार्ज ट्री के ऊपर एक छोटा सा पौधा ग्रो होता है, स्मॉल ट्री विल ग्रो ऑन इट। उसके रूट्स ऐसे नीचे हैंग हो रहे हैं, देख लो ये, देख है ना ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्लांट है ये पैरासिटिक नहीं है, ठीक है, ये पैरासिटिक नहीं है, मतलब क्या, ये एपिफाइट है। क्यों? क्योंकि ना तो ये वाटर लेता है, ना मिनरल्स लेता है, और ना ही फूड लेता है। तो सर इसको वाटर कहाँ से मिलता है? तो वाटर ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, जो हवा में आजू बाजू में एयर में ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करता है। सर मिनरल्स कहाँ से लेता है? इसके ऊपर जो बार्क होता है ना ट्री के ऊपर, जो डेड सेल्स है, डेड है बार्क, उससे मिनरल ले लेता है। और फूड, फूड खुद बनाता है यार, ग्रीन है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ उसके ऊपर ये सपोर्ट लेके ग्रो हो रहा है, ये पैरासाइट नहीं है, ना कंप्लीट ना टोटल ना पार्शियल, ठीक है, ना टोटल पैरासाइट है ना पार्शियल पैरासाइट है, ये सिर्फ उसके ऊपर ग्रो हो रहा है क्योंकि वो छोटा पौधा है, उसको चाहिए लाइट, ठीक है। तो जो है सूरज भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी रेज आ रही है, अब ये बहुत पेड़ के नीचे रहेगा तो छाव में रहेगा, लाइट मिलेगी नहीं, तो प्रॉपर लाइट लेने के लिए ऊपर बैठ गया और खाना बना रहा है, फूड बना रहा है, इसीलिए ये सिर्फ उसके ऊपर ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल वेंडा, वेंडा नाम का प्लांट है, ऑर्किड्स बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है, वेंडा और ऑर्किड्स। अब इसमें दो प्रकार के रूट हमको देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीव्स, एक को बोलते हैं क्लिंजिंग रूट्स, अरे ऑब्वियसली ये क्लिंजिंग रूट ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए होते हैं, है ना, प्रॉपर बेटा सपोर्ट के लिए है, एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। तो क्लिंजिंग रूट जो होता है वो ऊपर उसको पकड़ के रखता है, सपोर्ट रखता है कि नीचे ना गिर जाए, और दूसरा है ना जो भी आजू बाजू में मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, आपको सीटी हो चाहे नीट हो, यहाँ क्वेश्चन आता है, सपोज ये देखो, ये हमने बनाया बच्चों एक, ये क्लिंजिंग रूट है, ये वाला क्लिंजिंग रूट है, इसका सेक्शन लोगे ना, मतलब इसको कट करके देखोगे तो अंदर क्या मिलेगा, देखो उसका जाइलम फ्लोएम के बंडल्स मिलेंगे, उसका जो भी एंडोडर्मीज एपिडर्मीज कॉर्टेक्स सब ये सब मिलेगा, बट उसके बाहर ये एक टिश्यू मिलता है, टिश्यू, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं वेलामिन टिश्यू, और ये वेलामिन टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया है इन ब्रायोफाइट्स, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जिसमें पानी एब्जॉर्ब करने की बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन आएगा बेटा वेलामिन टिश्यू का, तो अब आप ये बताना है, ठीक है। दूसरा टाइप है, एक हो गया क्लिंजिंग रूट, दूसरा होता है, दूसरा बेटा एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट मतलब बेटा ये होते हैं फोटोसिंथेटिक रूट, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्किड्स में इवन एग्जांपल जैसे मैंने बताया था आपको, ट्रैपा के केस में भी बेटा आपको रूट देखने को मिलते हैं, बट ट्रैपा इज नॉट एपिफाइट, ट्रैपा हाइड्रोफाइट है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऑर्किड्स होते हैं जो कि एपिफाइट से, उनमें भी आपको एसिमिलेटरी मतलब ग्रीन रूट देखने को मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये दोनों ही आपको एपिफाइट में देखने को मिलते हैं, एसिमिलेटरी रूट, और एसिमिलेटरी रूट का ट्रैपा भी एग्जांपल है, बट रिमेम्बर ट्रैपा इज हाइड्रोफाइट्स, वाटर चेस्टनट, ठीक है। ऑर्किड जो होते हैं वो एपिफाइट्स होते हैं, उनमें एसिमिलेटरी रूट आपको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? यस बच्चों, तो ये रहे बेटा हम लोगों ने जो पढ़े, है ना। नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, यहां से शुरू करने का, देखो ये ऐसे रूट्स का मॉडिफिकेशन,
टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कौन कौन से हैं? टैप फ्रूट और दूसरा एडवेंटिशियस रूट। दर करेक्ट है, दो ही है। टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन है? देखो टैप रूट में मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और बेटा नोड्यूलेटेड है। स्टोरेज में तीन है भैया, एक कौन सा है रे? फ्यूजीफॉर्म रेडिश। दूसरा कौन सा है? कोनिकल कैरोट। तीसरा कौन सा है? नेपिफॉर्म बीट रूट। रेस्पिरेटरी रूट मैंग्रोव में आपको देखने को मिलता है ना, सुंदरबन, सुंदरी, पेरिटोरिया, रोजोफोरा। रेस्पिरेटरी कौन सा रूट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यू मैटो फोर, क्या बोलते हैं उनको? मैटो फोर। नोड्यूलेटेड रूट, रूट नोड्यूल वाला यार, कहाँ देखने को मिलेगा रूट नोड्यूल? ऑब्वियसली लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, पल्सेस में, पी प्लांट, ये सब। हो गया टैप रूट का मॉडिफिकेशन खत्म, यस और नो? है ना, ऐसा मैप आपको बनाना है खुद, ठीक है? एनसीईआरटी में जितना है उतना ही बनाओ, उससे क्या वो याद हो जाएगा आपका। अच्छा ये टैप रूट है, एडवांटेजेस रूट है, दो पता है, चलो ठीक है यार आगे चलो। नाउ सी एडवांटेजेस रूट में भी वही कार्यक्रम है ना भाई, क्या क्या है देखो। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टोरेज वाला है ना, फिर बेटा बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले हैं, मैकेनिकल सपोर्ट वाले हैं, और कुछ वीवीआईपी है, वीआईपी टाइप के रूट्स हैं, ठीक है? तो देखो स्टोरेज में यार दो प्रकार, स्टोरेज में एक ही एक्चुअली टाइप है, ट्यूबरस। ट्यूबरस के दो टाइप है, एक कौन सा बेटा? सिंपल ट्यूबरस रूट और दूसरा फेसिकुलेटेड। सिंपल ट्यूबरस रूट कहाँ पे देखने को मिला आपको? आइपोमिया बेटाटस, शकरकंद में, बराबर है, स्वीट पोटैटो। फेसिकुलेटेड रूट क्लस्टर्स में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, कहाँ देखने को मिला? सर एस्पेरेगस में, डहलिया में, ठीक है हो गया। फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ में आते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में देखो वो दोनों छोड़ दो अभी, नोड्यूलोस एंड मोनिलिफॉर्म, उसके बारे में छोड़ो। मैकेनिकल रूट देखो, मैकेनिकल में आपको दो चीजें, तीन चीजें सही से पता होनी चाहिए, कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक है स्टिल्ट रूट, एक है प्रॉप रूट, और एक है बेटा क्लाइंबिंग रूट्स, है ना, है कि नहीं? अभी स्टिल्ट रूट क्या है बच्चों? ज्वार, बाजरा, मेज, लोअर नोड से आते हैं। प्रॉप रूट क्या है? बनियान ट्री में आता है, लेटरल ब्रांचेस से। क्लाइंबिंग रूट मनी प्लांट, बीटल, है कि नहीं? इनमें आता है, वीक स्टेम के ऊपर आता है क्लाइम करने के लिए, डन। वीआईपी कौन कौन है? वीआईपी में सर, वीआईपी में आपको तीन एग्जांपल है, कौन कौन रहे? सर फोलिएज रूट। अच्छा फोलिएज रूट क्या होता है? सर वो लीफ के ऊपर आते हैं ना, ओ ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, ओके यस यस। दूसरा सर पैरासिटिक रूट, ओ ये क्या है भाई? पैरासिटिक रूट सर ऐसे होते हैं, इसमें दो टाइप है, कौन कौन से? सर एक होता है टोटल पैरासाइट, एक होता है पार्शल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का एग्जांपल सर कस्क्यूटा, अमरवेल। इसका सर, इसका ये ना, ये विषिया बाबा, है ना, पार्शल पक्का हो गया, करेक्ट है कि नहीं? तो उसके बाद में बेटा पैरासाइट के बाद में अब आता है एक जिसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा, वो कौन सा बेटा? इपीफाइट। इपीफाइट में मैंने दो टाइप आपको बताए, एक था क्लिंजिंग रूट और एक है एसिमिलेटरी रूट। दैट से डन, मेमोरी पैक रेडी, ठीक है? आपको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना है और खुद से बनाना है। आप कॉपी करोगे आपको याद नहीं रहता, आप बनाओ ऑटोमेटिक, कितना जल्दी बनता है ये, वेरी क्विक। थोड़ा सा उसमें आप एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नहीं एग्जाम्पल याद रखते हो तो मेरे जैसा करो, बस सिर्फ हेडिंग लिखो, नोड्यूलेटेड देखते ही एग्जाम्पल याद आ जाता है। जैसे कि स्टिल्ट लिखा तो मुझे याद आ गया, अच्छा स्टिल्ट लोअर नोड से आता है, ज्वारा बाजरा है, पैंडानस क्यूपाइन मल्टीपल है, ये सब ठीक है। प्रॉप रूट है कि एग्जाम्पल है, बनियान ट्री, फिकस बेंगालेंसिस, क्लाइंबिंग रूट, मनी प्लांट है,
मोमोर्डिका वगैरह है ना, या मोमोर्डिका उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मोमोर्डिका तो अलग है, मोनेली फॉर्म में है। तो ऐसे बेटा आपको याद है, वीआईबी में तीन है, फोलियेज है, पैरासिटिक है, एपिफाइटिक है, दैट्स इट। सो दिस वे वी हैव टू डील दिस चैप्टर, समझ रहे हो। मेमोरी मैप बनाओ, ये तो बना दिया मैंने, अगर आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो ना, ये क्या है, सिंपल है ना। क्यों खैर कर सकते हो ना यार, कॉपी भी तो कर सकते हो, बस इसमें एग्जाम्पल भरने पड़ेंगे आपको, है ना। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, अच्छा बढ़िया पेज लोगे तो उसमें अच्छे से लिख सकते हो, है कि नहीं। स्पेस कम है तो नहीं तो पूरा बना सकते हैं हम लोग सही ढंग से, यस और नो बच्चों, है ना। देखो ये टेक्निक है, इसको मेमोरी मैपिंग टेक्निक कहते हैं। मतलब देखो मेरे को तीन तीन चार चार हजार पेज वाले जो है ना लेनिंजर बायो केमिस्ट्री वगैरह जो बुक है, कंप्लीट याद, मतलब दिमाग में कैसे करा मैंने, यही किया। जो भी चैप्टर्स है पहले उसको, ये बुक को है ना, बुक में देखो कितने चैप्टर्स है, अच्छा इतने हैं तो पहले वही वही याद कर लो, इतने ही चैप्टर हैं। तो फिर चैप्टर्स के एक एक चैप्टर को पकड़ो, एक चैप्टर में कुछ पढ़ना नहीं, उसके अंदर का कुछ नहीं पढ़ने का, पहले बस चैप्टर कितने हैं गिन लो, इतना ही करो, मतलब आपको आइडिया आ जाती है, अच्छा इतने चैप्टर पढ़ने हैं इसमें से, ओ यस यस। उसके बाद चैप्टर के नाम क्या क्या है सीक्वेंस वाइज, तो आपके ब्रेन में बराबर सीक्वेंस में वो चैप्टर के नाम रखो, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि तो ब्रेन को सिस्टमेटिक चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आपको समझना है, इतना स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क कुछ नहीं इसमें। अभी उसमें फिर एक एक चैप्टर को लो, उसमें कुछ पढ़ने का नहीं चैप्टर में से, सिर्फ उसके हेडिंग्स लिखने का है, हाँ जा ये चैप्टर में ये हेडिंग्स है, ये चैप्टर में ये हेडिंग्स है, ये चैप्टर में ये हेडिंग्स है, खत्म, इतना ही, ठीक है। हेडिंग के ऊपर आपका कमांड आ गया तो सब हेडिंग लिखो बस, रख। अब जब भी कोई टीचर पढ़ाएगा आपको, जब भी कोई टीचर कुछ भी पढ़ाएगा ना, तो बराबर आप वो जो कंसेप्ट बताया गया ना, वो उसी जगह जाके चिपकेगा, वो चैप्टर का वो हेडिंग, उस हेडिंग में ये सब हेडिंग, उस सब हेडिंग में बराबर ब्रेन वही लगाएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपको तुरंत याद आ जाता है, अच्छा ये वाला पॉइंट है, बराबर ब्रेन वहीं पे पहुंचेगा, क्योंकि तो उसको रास्ता पता है कहाँ से जाना है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ब्रेन इज अ सिस्टमेटिक लाइब्रेरी, इफ यू मेक इट सिस्टमेटिक लाइब्रेरी यू विल फाइंड एवरी बुक विद इन अ सेकेंड, बट इफ यू मेक इट्स लाइक गो डाउन है ना, तो एवरी विल थिंग विल गो डाउन, इट विल नॉट कम अप, है ना। लोग भी पढ़ते भी है तो सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते, कचरा भरते, कचा कच कचा कच, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, फॉरगेट फॉरगेट, सो डोंट डू दैट, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस एवरीवन, सर है ना। तो अगर आप चाहते हो ना एनसीईआरटी को कमांड आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 11th की टेस्ट बुक पे कितने चैप्टर है पहले याद कर लो, नंबर वाइज ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये इतना ही बस। उसके बाद में हर एक चैप्टर के हेडिंग्स, एनसीईआरटी में जितने हेडिंग्स है उतने, ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग। अगर आप सीईटी देना चाहते हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को ले लो, उस बुक को आप फॉलो करो, आप जो बुक फॉलो करना चाहते हो, जिसके ऊपर कमांड चाहते हो ना, पहले उसके आउटलाइन को समझो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट प्रॉपर सुपर मेमोरी, यस और नो, सर है ना। तो पहले उसको समझो, तो यार जानो पहचानो, है ना। तो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। एक दिन में थोड़ी शादी होती है, पहले मिलो जानो पहचानो, दो दो घंटे बात करो फोन पे, सगाई होगी, लोग आएंगे, मंजूरी होगी, सब होगा, ये होता है, सडनली थोड़ी होता है ना, सडनली होता है वो जल्दी कोलैप्स भी हो जाता है ना। बड़ी जिंदगी की सीख है, इसको समझो, हमें तो सक्सेस चाहिए, ये सर नो, सो बी स्मार्ट। तो यहाँ पे बेटा हम लोग काम करते हैं, बर्डन नहीं बढ़ाते। तो आज हमने रूट के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टेम्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्टेम, ठीक है। स्टेम में क्या क्या है, मतलब उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसके बाद में उसके मॉडिफिकेशंस क्या है, इतना ही। वंस यू डू द मॉडिफिकेशन द स्टेम विल बी ओवर, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी रोकता हूँ, नहीं तो जैसे स्टेम शुरू करूंगा, सो स्टेम शुरू करने से क्या हो जाएगा, मामला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट नेक्स्ट क्लास बड़ा होगा, इसको थोड़ा याद रखो, ठीक है।
यस स्टेम और लीव दोनों ही हो सकता है, या तो स्टेम पूरा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी आपको कोई डाउट है कुछ भी, तो यू आर फ्री टू आस्क राइट नाउ। बोलो सर, नो डाउट। नो डाउट, तो बेटा इसको प्रॉपर करके आओ, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टेम और लीफ को पढ़ के आएंगे एनसीईआरटी से या आपके टेस्ट बुक से, ठीक है? ताकि आप जब भी पढ़ो ये सब कुछ तो आपको पूरा एकदम से याद हो जाए, ठीक है? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर।